जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, याद रखना कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं उनकी बातों को भी पर्सनली मत लो। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी। जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी है, आपको छिपानी है और दूसरों की देखनी है। मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तख्तो ताज का मोहताज, मैं अपने हुनर और हंसी से लोगों के दिलों में राज करता हूं। शांत बैठा हूं तो यह मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर, डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती और मुझे उन्हीं चीजों का शौक है। जब जब आप चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक आध बार भी यदि हकीकत बयां कर देते हो तो सबको बहुत बुरे लगते हो। बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी दूर चले जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा कितना भी झगड़ा हो लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी सांस तक करो, या तो एक सच्चा दोस्त पाओगे या एक अच्छी सीख पाओगे। गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतियां स्वीकार करने की। स्वयं से लड़े बाहरी दुनिया से क्या लड़ना, जो इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। बातें झोंकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती है, जरा संभल के बोलना दोस्तों, लौटती है तो रूप बदल कर आती है। हमेशा संदेह करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है ना कहीं और। रक्त, चित्र, मित्र और चरित्र ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। किताबें ऐसी शिक्षक है जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए आपको हमेशा सिखाती है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों में फायदा आपका ही है। सराहना से प्रेरणा मिलती है और निंदा से सबक। कुछ इकट्ठा भी उनके पास होता है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे भोजन हो, प्यार हो या फिर सम्मान। मुझे इतना नीचे भी मत गिराना भगवान कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाए, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप पुकारे और मैं ना सुन पाऊं। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने से पहली बार जीते हो। मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी भी इसी समान है, यदि देते रहोगे तो मीठे बने रहोगे और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। मनुष्य के दो रूप है, एक वह जो घने अंधकार में भी जागता रहे और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहे। तुम हार जाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम हार कर बैठ जाओ मुझे इस बात की चिंता है। दिल खोल कर इन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई छोड़ तो सके लेकिन भुला ना सके। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, इसलिए थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधी लकड़ी को ही काटा जाता है, टेढ़ी को नहीं। याद रखना यदि कोई इंसान आपकी आंखों में धूल झोंकता है तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलने लगता है। किस इंसान पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक समान नजर आती है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोप से ही मर जाते हैं। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना होता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना होता है। माया के चक्कर में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन प्रभु के चक्कर में पड़ोगे तो निखर जाओगे। रिश्तों को जेबों में नहीं दिल में रखिए, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, लोग पी ही जाते अगर समंदर खारा ना होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि गोरिल्ला और लंगूर भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने ही लंबे क्यों ना हो, आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरा होने पर रोशनी की जरूरत पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक जाने के लिए आपको पैदल चलना ही पड़ेगा।
इसलिए संभल कर चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है, इसे हंसते हंसते काट दीजिए।